हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनप्रीत सिंह धीमान फ्रॉम चंडीगढ़ कॉम्पिटेटिव क्लासेस अजीत रोड बठिंडा। आज का लैक्चर अपना हैगा जी इंग्लिश ते। इंग्लिश सब्जेक्ट जिहड़ा हैगा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका अज हर फील्ड दे विच, ते पंजाब एग्जाम्स दे विच भी जिन्ने भी तरह के एग्जाम्स होंदे ने जां टेस्ट होंदे ने उन्हां विच 5 तो 15 नंबर तक की जिहड़ी हैगी इंग्लिश आउंदी है। हुण जिहड़ा लेटेस्ट अपना रीसेंट होण जा रहा हैगा अगे पेपर पटवारी का, उहदे विच 10 नंबर की जिहड़ी है इंग्लिश आऊगी। उहदे विच जिहड़ी बेसिक ग्रामर आउणी है, बेसिक ग्रामर दे अंडर पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक लैक्चर पहला भी पाया सी, ते उसे नूं कंटिन्यू करदे होए अज दा लैक्चर जिहड़ा हैगा आर्टिकल्स ते आपां कर रहे हैंगे। आर्टिकल्स जिहड़े हैगे बड़े ही इंपॉर्टेंट हुंदे ने जी एक सेंटेंस दे विच। जिवें कि पिछले लैक्चर दे विच भी मैं दस्सिया सी पार्ट्स ऑफ स्पीच की है जी, नाम हुंदे ने शब्दों के उन्हां दी प्लेसमेंट दे अकॉर्डिंग, प्लेसमेंट जिहड़ी हुंदी आ उन्हां दी जगह एक सेंटेंस दे विच एक वाक दे विच, ठीक है जी। आर्टिकल्स भी उन्हां दे एक पार्ट ने ते बहुत ही जरूरी हुंदे ने, ठीक है जी, बहुत ही क्रूशियल रोल है इन्हां दा। आर्टिकल्स जिहड़े हुंदे ने ओह तीन तरह के हुंदे ने जी, ए एन द, तीन तरह के आर्टिकल्स हुंदे ने, तिना का आपका आपका एक रोल है, ठीक है जी। वैसे सब तो ज़्यादा जिहड़ियां मिस्टेक्स होंदियां ने वो होंदियां ने द दे विच, क्योंकि द दे जिहड़े रूल्स है किसी नूं समझ नहीं आउंदे जां कईआं ने कीते ही नहीं हैगे, ठीक है जी। आपां पर तिना नूं ही कवर करांगे। अज अपना जिहड़ा फोकस होगा वह रहेगा ए जां एन ते, इन्हां नूं यूज़ किवें करना है ते कित्थे इन्हां नूं यूज़ करना मस्ट है। मस्ट मतलब जरूरी है जी, इन्हां नूं यूज़ करना जरूरी है एक सेंटेंस दे विच, उस बारे आपां डिस्कस करांगे। सो स्टार्ट करदे हां जी ए ते एन नाल। हुण ए ते एन यूज़ कित्थे हुंदे ने, सब तो वड्डा सवाल यही खड़ा हुंदा पहला। ए ते एन सब तो इन्हां दा जिहड़ा कॉमन यूज़ है यह सिंगुलर नाउन दे नाल यूज़ होंदे ने जी। जिहड़ी सब तो पहला इहदा रूल है ये सिंगुलर नाउन दे नाल यूज़ होंदे ने, जदों कि नाउन की गिनती सिर्फ एक होवे, ठीक है जी। नाउन की गिनती एक होवे, सिंगुलर होवे, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अ बॉल, बॉल की है जी एक है, आपां लिखता अ बॉल, ठीक है जी। एन ऑनेस्ट परसन, ऑनेस्ट परसन एक परसन की गल कर रहे हैं तो आपां यूज कर लिया एन। हुण गल आउंदी है ए ते एन इन्हां दे डिफरेंस बारे, इन्हां दे विच फर्क की है। यूज तो यह भी सिंगल वास्ते हुंदा, ये भी सिंगल वास्ते हुंदा, पर फर्क की है मेन इन्हां दे विच कि इन्हां नूं लगाउणा कित्थे आ वह डिपेंड करता है भी नाउन जिहड़ा हैगा उहदे जिहड़ी स्टार्टिंग है, जदों आपां उहनूं प्रोनाउंस करदे हां, जदों आपां उहनूं बोलदे हां तां साउंड किहड़ा आउंदा हैगा। हुण इत्थे गल आ जांदी है भी साउंड कित्थों आ गया जी। हो सकदा कईआं नूं इस चीज़ की कलैरिटी होवे पर कईआं नूं कलैरिटी नहीं हैगी। हुण जिहड़ा ए हुंदा ये लगता है जी कॉन्सोनेंट साउंड नाल जिहड़े स्टार्ट हुंदे ने, कॉन्सोनेंट नाल जिहड़े स्टार्ट हुंदे ने नाउन्स या वर्ड्स उन्हां नाल लगता है जी, ठीक है। तो जिहड़ा एन हुंदा है वह लगता है वॉवल साउंड नाल जिहड़े स्टार्ट हुंदे ने। हुण वॉवल्स की जे गल करिए वॉवल्स किहड़े ने, ए ई आई ओ यू ए वॉवल्स ने, पर सानू स्कूल दे विच मैनू नहीं पता अज दी स्कूलिंग सिस्टम की चल रहा बचपन दा प्राइमरी दा, बट सानू की हुंदा सीगा जी ए ई आई ओ यू कहता भी जिथे लग्या जी फर्स्ट वर्ड ला दो चुप करके एन, नो दैट इज रोंग। एन जिहड़ा हैगा गा जिथे यह शब्द हैगे ने उत्थे नहीं लगूगा, एन लगूगा जिथे शब्दां दा साउंड आ रहा हैगा। साउंड आपां किवें परखदे हां जी, ए हुंदा है जी अ ई ई ओ उ, ठीक है जी। हिंदी या पंजाबी दे विच इहदा रेफरेंस ले सकदे हो तुसीं अ ई ओ उ यू ओ उ, ठीक है। यू मैं फिर इंग्लिश दे विच बोल गया, ठीक है।
रेफरेंस लेना पंजाबी। बाकी इस तो अलावा जिन्हें भी साउंड आउंदियां ने जां जिन्ने भी वर्ड्स ने साउंड करते ने इन्हां तो वोवल तो अलावा वह सारे कित्थे चले जाते हैं जी कॉन्सोनेंट दे विच। कॉन्सोनेंट तो अलावा होर कोई टाइप नहीं हैगी जी, एक वोवल है एक कॉन्सोनेंट है, एन जिहड़ा हैगा वोवल साउंड नाल लगता है, ए जिहड़ा हैगा जी कॉन्सोनेंट लगता है, इस तो अलावा इसका कोई यूज नहीं हैगा जी। ठीक है, हुण डिस्कस करते हैं भी इन्हां दी एग्जाम्पल्स, ए केड़ा ए केड़े नाल लगता है एन केड़े नाल लगता है। हुण जे एन दी गल करिए, ठीक है जी, एन किहदे नाल लगूगा, एन दी गल करदे हां, एन ऑनेस्ट, ठीक है जी, एन आर, ठीक है जी, एन इंक, ठीक है जी। हुण मेन गल की है जी, जिहड़ा इंक है, ठीक है जी, इंक इहदा तां आपां नूं साफ पता लग रहा भी ई दी आवाज आ रही है, पर इत्थे फर्स्ट लैटर एच है। हुण मैं तुहानूं दस्सिया सी साउंड आपां चैक करना हैगा, साउंड चैक करके उस हिसाब नाल ही आपां की है आर्टिकल एन यूज करना हैगा। इहदे विच एच साइलेंट है जी, आर दे विच भी एच साइलेंट है, तां इहनूं आपां की बोल रहे हैं जी ऑनेस्ट, तां इत्थे ओ दी आवाज आ रही है जाने कि ओ साउंड कर रहा, तां आपां लगाता एन। हुण जे आर दी गल करिए तां इत्थे आ दी आवाज आ रही हैगी, तां इत्थे आपां लगाता एन। इंक दा सिंपली आपां नूं पता लग रहा ई दी आवाज आ रही है, तां आपां लगाता एन, ठीक है जी। एन दे यूजेज ये होंगे ने, स्पैसीफिक वर्ड्स ने कि आप ध्यान रखना है भी साउंड किवें करते हैं। पंजाबी या हिंदी जिहड़ी भी लैंग्वेज नूं ईजी लगती है उसकी तुसीं रैफरेंस लैके साउंडस नूं अंडरसटैंड करोगे, साउंडस नूं अंडरसटैंड करन तो बाद ही आर्टिकल एन नूं यूज करना है। एवें नहीं देखना भी कितने ए लग्या या ई लग्या या आई लग्या या ओ लग्या या यू लग्या बस लगा दो, नो दैट इज़ रोंग। हुण जे अंबरेला की गल करिए, एन अंबरेला, एन अंबरेला की है जी, अ तो शुरू हो रही है आवाज, अ यू तो फिर भी नहीं हैगी, अंबरेला अंबरेला, ठीक है जी, तो अ दी साउंड आ रही है, तो आप एन लगाया गा, इतने अ दी साउंड आ रही है, ठीक है जी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तुसी वोवल नहीं देखना, वर्ड नहीं देखना, वोवल साउंड चेक करना है। मैं इतने नोट डाउन कर दिना, जिहड़ा एन है वह कित्थे लगेगा, वोवल साउंड दे नाल लगेगा, होर कितें भी नहीं लगेगा, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, ठीक है जी। नैक्सट आप गल करते हैं ए दी, ठीक है जी, ए कित्थे यूज होंदा, हुण जिहड़ा ए है इहदी आप गल कीती सी, इह यूज किहदे नाल हुंदे जी कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड केड़े होंदे ने जी, सिंपली मैं एक एग्जाम्पल लिखी सी पहला, अ बॉल, कोई ये दे विच की है वोवल साउंड नहीं हैगी जी, कॉन्सोनेंट है, बट डिफरेंस इत्थे आउंदा एक, यूरोपियन। हुण इत्थे गल जो सोचण वाली है भी ई आ गया, यू आ गया, है ना, यूरोपियन बोल रहे हैं, पर आप ए क्यों लगाया, साउंड यह वॉबल नहीं करता, आप अ अ अ ई ई ओ यू की गल की सी ऊदी, तो इतने जोड़ा है गा यूरोपियन च साउंड की आ रहा है वाई तो यू का, यू य की आवाज आ रही है जी, य जोड़ा है वॉबल नहीं है, ठीक है जी, तो इतने की लग गया ए, ठीक है जी। एक होर एग्जाम्पल दिना इदा ही, अ वन रुपी नोट, ठीक है जी, जिहड़ा वन रुपी नोट हैगा उहदे नाल भी ए लग्या। हुण फर्क की हैगा, फर्क की है जी, इत्थे फर्क यह है इत्थे साउंड ओ दी नहीं आ रही, इत्थे डबल्यू दी आ रही है, वन वाहवा पंजाबी दे वाहवा कह दिंदे आपां, व कह दिंदे हिंदी दे विच, व की आवाज आ रही है जी, ठीक है, तो इतने की है जी वन रुपी नोट के नाल की लग गया ए, इदा तो क्लीयर ही सीगा, अ बॉल अ बैट कुछ भी लिख लो, ये तो अपन क्लीयर हैगा भी कॉन्सोनेंट है, वॉवल का साउंड ही है नहीं, बट कन्फ्यूजन कितने खड़ी होंगी आके इन्हें शब्दों पर,
ये चीज़ का ध्यान रखना भी साउंड वह किस चीज़ का आ रहा इतने कि आ रहा य का इतने कि आ रहा व का ठीक है जी। ए ते एन दे ये जिहड़े हैगे हैगे कुछ सिमिलर यूजेज ने ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये जे गलती होगी तो समझ लो भुगतनी ही पैनी है ठीक है जी। बहुत ही जरूरी है चीज़ ध्यान च रखनी ठीक है। हुण गल करदे आं इन्हां दे कुछ खास यूज़ खास जिवें कि आपां कह दईए जिहड़े आपां कुछ कु नूं पता भी हो सकदे ने पर कुछ कु नूं पता ही नहीं हैगे ठीक है जी। खास यूज़ जिहड़े आपां कहिंदे हैगे इस्तेमाल इन्हां दे पहला की आ जांदा है जी ई ते एन जिहड़ा हैगा हैगा हमेशा लगदा कित्थे आ। मैं तुहानूं स्टार्टिंग दे विच दस्सिया सीगा वी लगदा कित्थे आ इह लगाउणा जरूरी भी कित्थे आ मस्ट है। जदों भी कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखना आप एक्सक्लेमेटरी समझते हो एक्सक्लेमेटरी जिहड़ा हुंदा गा सेंटेंस कुछ एक्सक्लेम करदे हुंदे आ उहदे विच की हुंदा जी एक्सक्लेमेशन साइन हुंदा गा जी इदां ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ ਵਟ ਔਰ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਫਸਟ ਵਰਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਵਟ ਜਾਂ ਹੋਊਗਾ ਸੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ What an sorry what a lame excuse lame ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬੇਕਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਜਾਣਾ ਨਿਕਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। what a lame excuse ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੇਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵਟ ਵਟ ਅ ਲੇਮ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੱਚ ਐਨ ਈਡੀਅਟ ਹੁਣ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੱਚ ਐਨ ਈਡੀਅਟ ਈਡੀਅਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਈ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਨ ਸੱਚ ਐਨ ਈਡੀਅਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਏ ਜਾਂ ਐਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਏ ਅਤੇ ਐਨ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਯੂਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਖਾਸੀਅਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹੈਗਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਧੋਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਚਿਨ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਗ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਲੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੈਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ
ठीक है जी, बिफोर प्रॉपर नाउन, ठीक है जी। एग्जाम्पल मैं थानू दिना, ठीक है जी, ही इज अ कालीदास, ठीक है जी, भी वो कालीदास है, ठीक है। तो इस परसन के बीच आप कालीदास की क्वालिटी मैनशन की है, तो प्रॉपर नाउन ये कालीदास है, तो उस तो पहला आर्टिकल ए यूज हो गया, ठीक है जी। फिर यह साउंड की कर रहे है जी, की साउंड कर रहा है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। यही एग्जाम्पल एक मैं उसमें वॉवल के दिना, शी इज एन इंदिरा, ठीक है जी, शी इज एन इंदिरा, ठीक है जी। हुण इत्थे ई तो साउंड कर रहे जी, ये जिहड़े इंदिरा दे जिहड़े प्रोनंसिएशन है, तो इत्थे आर्टिकल एन यूज हो गया, ठीक है, वह एक इंदिरा है, ठीक है जी। तो जिहड़े ये है जो आप किसी परसन की किसी परसन खास जी हैगी सैलीब्रिटी की या कोई पब्लिक फिगर की आप गल करते हैं, वो आप कंपेरिजन करते हैं भी हाँ उसकी क्वालिटी ये है, तो आप टैग दें किसी अपने नाल किसी नॉर्मल परसन, तो उत्थे की है वह प्रॉपर नाउन के नाल आर्टिकल ए या एन लगाना मस्ट हो जाता जी, जरूरी हो जाता है, दैट इज़ मैंडेटरी। ओके जी, क्लीयर है जी। ये यदा सैकेंड रूल जिते इन यूज करना ही करना है, ठीक है। दैन गल कर देंगे अपन नैक्सट रूल जोड़ा है गा, थर्ड रूल। थर्ड रूल की है जी, यदा जिते सर्टनिटी हो गए, पर्सनली मेरा इंट्रस्टिंग पार्ट है जी, ये इंट्रस्टिंग रूल है मेरा फस्ट जी सर्टनिटी वाला है गा, ठीक है। इंट्रस्टिंग किवें है, पंजाब दे विच बेसिकली जो सेंटेंसिस की गल कर रहे हैं, ठीक है। मान लो किसी का फोन आ गया है ना, तुहाडे डैड का फोन रिंग हो रहा, तुसी उठे फोन चक्या अपने डैड वल लेके जा रहे हो, रस्ते च फोन चक लिया तुसी तुरे जाते हैं, ठीक है जी। उस पुछया कि कौन बोल रहा है, अपने डैड नूं जाके जो तुसी फोन दिंदे हो तो डैड तुहाडे पुछदे ने भी किहदा फोन है, आपां कहिंदे कोई राजविंदर है जी, कोई राजविंदर है जी, जां कोई फलाना है जी, कुछ भी, ठीक है, आपां कोई शब्द लगा दिंदे आ, राइट। तो सेम उत्थे की लगता है जी, आर्टिकल आ जाता है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल राजविंदर, सेम यही एग्जाम्पल मैं ले लेना, इज ऑन कॉल, की है जी, कॉल तो कोई राजविंदर है, ठीक है जी। आपां तो नहीं पता कि राजविंदर है, कौन है, किवें, जो आप अननोन अपने लिए, तो आप सिंपली सीधा कह दें कोई राजविंदर है, ठीक है जी, क्लीयर है। फिर आप गल करते हैं इदा ही जोड़ा है गा, साउंड जिमें करता गा वह जो वर्ड होगा जो प्रॉपर नाउन होगा वह जिमें भी साउंड करेगा उस हिसाब न ही तुम आर्टिकल यूज कर लोंगे, चाहे ए कर लोंगे चाहे एन कर लोंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल एक जो आप ऑफिशियल गल करिए है ना, तो मिस्टर सुरे रमेश वॉन्ट्स टू मीट यू, ठीक है जी। कोई मिस्टर सुरेश रमेश थानू मिलना चाहता है, आपां नूं की पता है जी कौन रमेश है, बट आप सिंपली एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कोई कह के, तो कोई की जगह किने लेनी है जी, आर्टिकल नहीं लेने, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना हैगा, तुसी इनू आपदी रियल लाइफ के विच इंप्लीमेंट करके देखो, ये बहुत ही वधिया पॉइंट हुंदा है, चाहे कोई भी सबजैक्ट कर रहे हो तुसी रियल लाइफ के विच उस पॉइंट नूं आपदे नूं इंप्लीमेंट करके देखो। हुण जे इंग्लिश की गल करिए, लैंग्वेज बहुत इंट्रस्टिंग पार्ट हुंदा स्टडी का, पर्सनली बहुत ही इंट्रस्टिंग पार्ट हुंदा, किवें बैठे हो फ्री बैठे हो जां कोई भी काम कर रहे हो आपदी डेली रूटीन नूं इंग्लिश दे विच जे कन्वर्ट करोगे, हाँ भी मैं आह शब्द बोलदा सेंटेंस बोलदा आह काम करदा जां नहीं करदा, मेरी रूटीन है, मैं खाना पीना सौना उठदा कुछ भी है, उस चीज़ से इंप्लीमेंट करो भी हाँ मेरा वो सेंटेंस किवें कन्वर्ट होगा, ठीक है। उस लई असीं हैल्प कर रहे हैं तुहानूं अपने लैक्चर्स के थ्रू, ठीक है जी। इहदे विच तुहानूं छोटियां छोटियां जिहड़ियां बरीकियां हैगियां ने ग्रैमर दियां सेंटेंसिस दियां, ठीक है, वो तुहानूं दसदे हैंगे, ठीक है। तो लेटेस्ट जिहड़े अपडेट्स तुहानूं दिंदे रहिंदे आ, ते उहदे लई तुसीं सबसक्राइब भी कर सकते हो साडा चैनल चंडीगढ़ कॉम्पिटेटिव क्लासेस यूट्यूब ते, अते साडा जिहड़ा पेज इंस्टाग्राम ते चंडीगढ़ क्लासेस ते फॉलो कर सकते हो, ठीक है जी।
आप सानू कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो साढ़े कॉन्टैक्ट नंबरस से, ठीक है जी, विजिट भी कर सकते हो, साडा बठिंडा ऑफिस है जी, अजीत रोड गली नंबर 15 के कॉर्नर से, ठीक है। हुण अपना जो चल रहा सीगा पाठ सर्टिनिटी वाला रूल, ठीक है, जिथे सर्टिनिटी होवे जी कुछ आपां नूं पता ना होवे, अंदाजा जा होवे, उत्थे आपां आर्टिकल लगा दिंदे आ ए या एन प्रॉपर नाउन दे अगे, ठीक है जी। नाउ कमिंग टू द फाइनल रूल ऑफ आर्टिकल ए एंड एन। हुण जिहड़े आर्टिकल्स ए ते एन विचों बच गया बेचारा कल्ला ए, इत्थे एन दा कोई रोल नहीं जी, कल्ला ए। ए दा जिहड़ा सब तो खास रूल है जी, ए ने जिथे लगना ही लगना है, तां पक्का ही आपदे दिमाग च बिठा लिओ वी इहने यूज किथे होना है, इज प्लेस्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है जी, हुण जिहड़ा ए है जी, इहने हमेशा एक जगह ते इहदी पक्की पक्की हैगी, किहड़ी है जी, उह कंपैरेटिव डिग्री तों पहलां उहने आउणा ही आउणा किहदी, एडजेक्टिव दी। एडजेक्टिव दी कंपैरेटिव डिग्री किहड़ी हुंदी है जी, हुण मैं तुहानूं शॉर्ट दे विच इह दस दिंदा गा, तीन डिग्रीज हुंदियां ने जी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इन्हां नूं याद करन दा एक आसान तरीका भी, डिग्री जे ऑर्डर वाइज तुसीं याद करनी है तां नूं सिंपली शॉर्ट दे विच कर लो PCS। PCS दे टेस्ट भी हुंदे ने, है ना जी, तां PCS इहदी शॉर्ट फॉर्म बना लो भी, हाँ यार पहलां पॉजिटिव डिग्री हुंदी है, फिर कंपैरेटिव हुंदी है, फिर सुपरलेटिव हुंदी है। ओके जी, पॉजिटिव डिग्री की हुंदी है, जे तुसीं किसे नूं कह रहे हो अच्छा तां उह गुड है, तो पॉजिटिव डिग्री आ गई। किसी नूं तुसीं कह रहे हो ये उहदे नालों अच्छा, तो कंपेयर कर रहे हो एक दो चीज़ों तो उत्थे बैटर आ गया, फिर तुसीं कह रहे हो ये सारे नालों ही अच्छा है, वो तो फिर बेस्ट आ गया जी, उस तो उपर तो कुछ हो नहीं सकता, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है जी, सुपर मतलब सब तो उपर, कंपेरेटिव मतलब दो जने, पॉजिटिव होंगे जी एक जने वास्ते, हो गया एडजेक्टिव। अगे अपना एडजेक्टिव का भी लैक्चर आऊगा, वो मैं थोड़ा डिटेल के कराऊंगा, ठीक है जी। बट हुण मैं तुहानूं दस दांगा जदों कंपैरिजन करदे आ, हुण आपां कंपैरिजन की है जी, सब तो कॉमन कंपैरिजन की चल रहा जी अपने पंजाब दे विच, करन औजला ते सिद्धू मूसेवाले दा रौला चलता रहिंदा वी किहड़ा वधिया किहड़ा वधिया, ठीक है जी। बट मैं इत्थे ओह सेंटेंस लिखूंगा नहीं गा, की पता किहड़ा वधिया जी, एवें उहनां दे फैनस गुस्सा कर सकते ने, ठीक है। बट आपां सिंपली किसी नूं कंपेयर कर रहे हैं, आपां कोई भी नाम लै लैंदे हैगे, है ना, दैट रमेश is a better singer than Suresh। ठीक है जी, भी जिहड़ा रमेश है वह बैटर सिंगर है किहदे नालों, सुरेश नालों, आर्टिकल लग गया ए बैटर दे नाल, कंपैरेटिव डिग्री दे नाल ही लगना है जी आर्टिकल, ये चीज़ का ध्यान रखना हैगा, भुलेखा ना रह जाए, कोई डाउट ना रह जाए, कंपैरेटिव डिग्री होंदी है जी। दूसरे नंबर पर PCS मैं जिहड़ा तुहानूं फॉर्मूला कराया, ये चीज़ में इंप्लीमेंट करके देखियो एडजेक्टिव्स दे विच, नहीं फिर जिहड़ा अपना एडजेक्टिव्स दा लैक्चर होगा वह भी आऊगा अगे। सो प्लीज़ सबसक्राइब भी कर दिओ ताकि तुहानूं नोटिफिकेशन मिलते रहन, नवीं वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहन, ठीक है जी। तो रमेश इज़ अ बैटर सिंगर दैन सुरेश, कंपैरेटिव डिग्री जिथे आ गई जी उथे आर्टिकल ए ने लगना ही लगना हैगा, ए दे विच कोई दो राय नहीं हैगी। ठीक है जी, ए सीगा सारा जी अपना अज दा टॉपिक ए ते एन ते, नैक्सट लैक्चर जिहड़ा होगा अपना होगा द ते, क्योंकि द दे रूल्स खासे नेगे, किथे यूज हुंदा किथे नहीं हुंदा, क्योंकि मोस्टली जदों तुसीं रिटन फॉर्म दे विच बोलदे हो जां लिखदे हो जां स्पोकन फॉर्म दे विच यूज करदे होंगे, जां आपां कह दईए कोई द दे स्पेसिफिक MCQs जिवें आउंदे नेगे, है ना, द यूज हो ना हो, जां फिर करैक्शन इन सेंटेंसिस आउंदियां ने, उत्थे बहुत मिसटेक्स होंदियां ने द नूं लैके, ए ते एन अजे फिर भी कितने कितने आपां सही जां गलत की कह दईए सही कर ही जांदे हैगे, बट द बहुत ज़्यादा मिसटेक्स करदा ते बहुत जरूरी है। उहदा नैक्सट लैक्चर जिहड़ा होगा सारा तुहानूं नोटिफिकेशनस मिलदे रहिणगे, ते नोटिफिकेशनस प्राप्त करन लई, ठीक है, तुसीं की करना, सबसक्राइब करना साडे यूट्यूब चैनल चंडीगढ़ कॉम्पीटेटिव क्लासेस, अते साडे इंस्टाग्राम पेज चंडीगढ़ क्लासेस नूं, और इस वीडियो बारे अपनी जिहड़ी राय देण लई, अपनी एडवाइस देण लई कि इस नूं असीं होर वधिया किवें कर सकदे सी, जां तुहानूं वधिया लग्गिया जां तुहानूं कोई कमी लगी उह तुसीं कमेंट्स दे विच जरूर दस सकदे हो, तुसीं पर्सनली कॉल भी कर सकदे हो सानूं, ठीक है जी। थैंक यू,
थैंक यू वेरी मच. दैट्स ऑल फॉर टुडे.